नमस्कार, आज हम कुकी रिपीट पर बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर घर पर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कढ़ाई पनीर। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं कढ़ाई पनीर घर पर कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले कैप्सिकम जो लंबाई में कटी हुई है, लंबाई में कटा हुआ प्याज, नमक, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, तेज पत्ता, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, कटा हुआ अदरक, क्रीम, कुछ पनीर क्यूब्स और टमाटर कटे हुए और 8 से 10 काजू, कुछ साबुत मसाले जैसे साबुत धनिया, लाल मिर्ची, काली मिर्च और जीरा। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले जो साबुत मसाले लिए हैं इन्हें हम भून लेंगे। खुशबू आने तक हम इन मसालों को भूनेंगे और इनका कलर भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। देखिए मसाले भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। अब हम इन्हें एक ब्लेंडर जार में डालेंगे थोड़ा ठंडा करके और पीस लेंगे। देखिए इस तरह मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम दोबारा से कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। इस ऑयल में सबसे पहले अदरक भूनेंगे और इसके बाद हम प्याज डालेंगे। हम अभी यहां पर आधा प्याज डाल रहे हैं और आधा हम बाद में यूज करेंगे। इस प्याज को हम बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे और इसके बाद इसमें टमाटर मिक्स करेंगे। इसी तरह टमाटर भूनने के बाद इसमें जो काजू लिए थे उन्हें भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। और इसके बाद इसे ढककर करीब 5 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद इन्हें चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। ये इन्हें एक बार मिक्स करके भूनकर ठंडा करेंगे थोड़ा सा और इन्हें ब्लेंडर जार में डालकर पीस लेंगे। ये हमारी एक पेस्ट तैयार हो गई है, काजू टमाटर और प्याज की पेस्ट तैयार हो गई है। अब दोबारा पैन गरम करेंगे, ऑयल डालेंगे इसमें थोड़ा सा और इसमें सबसे पहले तेज पत्ता भूनेंगे और कसूरी मेथी। इसे भूनने के बाद हम प्याज डालेंगे, जो अब बाकी बची हुई प्याज थी हमारी उसको भूनेंगे। अब इस प्याज को भी हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे और बहुत ज्यादा रेड नहीं करेंगे, बहुत हल्का भूनेंगे इसको। देखिए इस तरह से इसका कलर इतना होना चाहिए। इसके बाद हम कैप्सिकम इसमें मिक्स करेंगे और उसे भी भूनेंगे। कैप्सिकम को भी बहुत ज्यादा नहीं गलाएंगे, इसका क्रंच बना रहना चाहिए। हमें इतना ही इसको भूनना है करीब 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इन्हें मिक्स करें, भून लें इन्हें। और इसके बाद जो मसाला तैयार किया था साबुत मसाले भूनकर वो भी हम इसमें मिक्स करके भूनेंगे। और इसके बाद जो काजू का टमाटर प्याज का पेस्ट तैयार किया था उसको मिक्स करेंगे और उसे भी घी छोड़ने तक भूनेंगे। देखिए ब्लेंडर जार में जो थोड़ा सा पेस्ट रह गया है उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और वो पानी भी मैं इसी मसाले में डाल रही हूँ पैन में, जिससे सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। और घी छोड़ने तक हम इस मसालों को भूनेंगे।
दो से तीन मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें ढककर छोड़ दें। देखिए भुन गया है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर के बाद हम इसमें क्रीम डालेंगे, आप इसमें मलाई का भी यूज कर सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहेंगे मलाई डालने के बाद या क्रीम डालने के बाद, जो भी आप डालें। और इसमें लास्ट में नमक और गरम मसाला डालेंगे, और ये सब मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद देखिए बहुत गाढ़ी लग रही है, बहुत थिक है ये अभी ग्रेवी, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसमें सारे फ्लेवर मिक्स हो जाएं। देखिए दो से तीन मिनट भूनने के बाद इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है और कितना अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है कढ़ाई पनीर की। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें।